देखो यार हम लोगों ने क्या कर रखा है, बम कहाँ रखे हुए हैं। चलो भाई करते हैं नाजी की टेस्टिंग। ओहो लगेगी आग। नाजी फॉइल में आग, देखते हैं इसका धमाका कैसा रहता है। 1 2 3 4 5 6 बम लगा दिए हैं और लगा दिया है फिर से अनार। हे गाइस वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ व्लॉग। यहां पर आप लोग अभी चेक कर सकते हो थंबनेल में, देखा आपने क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज आने होने वाली है। होने क्या वाली है, हाथ में ये देख रहे हो भाई, ये कोई ब्रेड का पैकेट नहीं है। इसके ऊपर नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा आंधी तूफान। और इस बम का साइज ये वाला साइज है, फुल बड़े वाला साइज है। उसके बाद ये भी ब्रेड का पैकेट नहीं है, लग वैसे वही रहा है कि ब्रेड का एक पैकेट है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के काम आएगा। लेकिन ये भी वीआईपी है और इसका साइज भी बहुत बड़ा है। तो ये वीआईपीज हैं और साथ में अपने पास यहाँ पर हर तरीके की सुतली बम पड़ी हुई है। सुतली बम की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर चेक कर सकते हो साइज, देखो यार ये बाहुबली बम है और ये बाहुबली बम का साइज देखो भाई। यहाँ पर मैं बात करूँ गोले बम की तो अग्नि क्लासिक का ये साइज देखो यार, क्या एक नंबर साइज है। फिर यहाँ पर किंगटोन बम है, इसका भी देखो यहाँ पर साइज देखो यार, काफी बड़े बड़े साइज के सूतली हैं। और आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियोस मैं करता हूँ। नाजी चेक करो, नाजी ऑल टाइम फेवरेट है बहुत सारे लोगों का। यहाँ नाजी देखो और यहाँ पर फिर से 2 नाजी और रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो क्लासिक आजाद क्लासिक फॉइल और इधर 555 के नाम से आता है ये बम। ये बम और बाहुबली बम सिमिलर है, लेकिन बाहुबली और 555 के साइज में फर्क देखो भाई, एक नंबर साइज में फर्क है। काफी बड़े बड़े बम है अपने पास और हर ब्रांड के लगभग बम है। ये वाला कौन सा रख लिया है इन सूतली के बीच में हमने, एक बार आपको दिखा देते हैं। इस बम का नाम इन्होंने रखा है आंटी बंटी, यहाँ देख सकते हो आंटी बंटी रखा हुआ है, आंटी नहीं है आंटी बंटी। और आंटी बंटी होने क्या वाला है, ओ हो भाई साहब ये निकले हैं अनार बुलेट। देखो ये स्टैंड निकल गया इसका साइड में, यहाँ स्टैंड लगा देते हैं, ये देख रहे हो अनार बुलेट है भाई। पहले अनार निकलता है फिर बुलेट फटता है, लेकिन बुलेट का साइज काफी लंबा है यहाँ से यहाँ तक। खतरनाक टेस्टिंग होने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर। और इतने सारे पटाखे जो आप देख रहे हो ना भाई, इतने सारे पटाखों के अंदर आज हम लोग आग लगाने वाले हैं। लेकिन ये टेस्टिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाली है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक बम उठा के और फिर उसमें आग लगा के उसकी टेस्टिंग आपको दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हम लोग इकट्ठे ही बमों में आग लगा दें, सब में इकट्ठे की बात नहीं कर रहा। हो सकता है एक पैकेट में इकट्ठे आग लगा दें, हो सकता है कि 2 पैकेट में लगा दें या 5 बम डाल दें, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ प्लान होगा वीडियो बनाते टाइम ही। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और हम चालू करते हैं आज की सूतली बम टेस्टिंग। तो भाई अब ना सूतली बम की टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग, और सूतली बम में हम लोगों के हाथ में सबसे पहले आया है बाहुबली और 555। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा 555 से, क्योंकि 555 का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है बाहुबली से। और हम एक साथ ना 1 2 3 4 में आग लगाने वाले हैं, तो 4 में आग लगाएंगे तो सोच सकते हो कि धमाका कितना पावरफुल होगा। यहां पर चेक कर सकते हो आप लोग, हमने 4 के 4 यहां पर 555 रख दिए और सामने हमने लगाया एक अनार। तो अनार के थ्रू क्या होने वाला है, अनार की फ्लेम आएगी और यहाँ पर चारों में आग लगाएगी। आई होप कि ये चारों में आग लग जाए, कुछ इस तरीके से रख देते हैं कि चारों में आग लग पाए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ देख रहे हो सेटअप हमने कुछ इस तरीके से किया है कि किसी भी हाल में कोई बम बचे ना, सब फट जाए, सब में इसकी फ्लेम है, पहुंच जाए, देखते हैं कैसा धमाका होता है। भाई लगा दे, भाग जा भाई, आग लग चुकी है फाइनली। और देखना यह कि क्या होता है, चारों फटते हैं कि नहीं। आग लग चुकी है। 555 फूटा, एक नंबर, चारों के चारों फूट के, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अब है बाहुबली 2 साउंड की बारी। और ये साइज देख लो भाई, 555 के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा साइज होने वाला है। इसको भी हम लोग ना 4 फोड़ने वाले हैं और देखते हैं कि क्या तबाही ये करता है, या 6 के 6 लगा दें, 6 के 6 लगाते हैं। चलो सब फोड़ देते हैं एक बार में ही। भाई यहाँ पर देखो बाहुबली बम हम लगा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 बम लगा दिए हैं और लगा दिया है फिर से अनार। हमारा वही सेटअप फिर से जिंदा हो चुका है और अब देखते हैं कि ये सेटअप कैसा काम करता है। भाई फाइनली आग लग चुकी है, आग लग चुकी। आग लग चुकी। तो भाई यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अनार जला और मेरी वीडियो अपने आप रुक गई। क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक भी हमें बाहुबली 2 साउंड दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है एक पटाखा फटा और बाकी उड़ गए। तो अभी उसे हम तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गए। ये देखो अपनी रेस्क्यू टीम जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है, यहाँ पर भी रेस्क्यू टीम फैली हुई है और इस तरफ भी 2 रेस्क्यू टीम वाले लगे हुए हैं। मिला कुछ, मिला
नहीं मिला भाई यार, गया कहाँ, एक दो बम फटे हैं सिर्फ और बाकी गायब हो चुके हैं भाइयों। एकदम तेज धमाका था, रिकॉर्डिंग भी अपने आप स्टॉप हो गई भाई, एक नंबर। तो भाइयों तुम्हें क्या लगता है कि एक बम फटा या सारे इकट्ठे फटे? इकट्ठे फट गए भाई। मेरा तो कैमरा बंद हो गया था लेकिन दूसरे कैम में हमने रिकॉर्ड कर लिया शायद, और भाई इतनी तेज रोशनी हुई और एक भी बम ना, क्योंकि पास में कोई एक बम भी नहीं दिख रहा यार। भाई इतनी तेज धमाका एक बम का तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, सारे ही फटे है ना। और हम ढूंढ रहे थे पागलों की तरह कि कहाँ गए। वाह यार कमाल था भाई। बाकी अब अगले बम की बारी, और दिखा, देखो यार हम लोगों ने क्या कर रखा है, बम कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि ये देखो मॉइस्चर कितना ज्यादा आ रहा है स्कूटी की। ये देखो भाई पूरी की पूरी सीट गीली हो चुकी है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, ये देखो मॉइस्चर, और हमारे पटाखे भी खराब होने के डर से मंदिर छुपा के बैठे हैं। तो अब कौन सा बम टेस्टिंग करने वाले हैं? ये भाई निकाल के बैठा है नाजी। अरे बापरे, चलो भाई करते हैं नाजी की टेस्टिंग। तो भाई अगेन से हमारा सेटअप रेडी हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर फिर से अनार लगा दिया, हमने नाजी रखे हैं 5, क्योंकि बहुत तेज धमाका होता है इसका। चलो फटाफट से आग लगाते हैं। लगा दे भाई। भाई आग लगा दी बंदे ने। ये अनार फट गया यार, यहाँ पे अनार फट गया है। तो भाई यहाँ पर देखो अनार फट चुका है और ये बम यहीं के यहीं है सारे के सारे। 1, 2, 3, 4 एक बम गायब हो चुका है उड़ के शायद। 2, 4, 5 है तो। 5 ही तो थे। हाँ 5 बम है तो। भवन इसके मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है भाई, ये क्या हो रहा है पता नहीं। अनार फट गया यार, दोबारा लगा भाई अनार। अब दूसरे वाले अनार से इसको, अरे आग लगाओ आग लगाओ भाई, दोबारा आग लगा रहे हैं। पिछली बार अनार फट गया था, इस बार अनार ना फटे तो नाजी फटेंगे। ओए फिर से अनार फट चुका है यहाँ पर, हो क्या रहा है यार ये। यहाँ पर दो बार ट्राई किया हमने और दोनों बार क्या हुआ, अनार फट गया और इस बार एक बम देखो यहाँ चला आया, निकाल के लेके आओ इसको, वापस रखो। यहाँ पर थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं हम लोग, इस बार यार अनार ना फटे, जल जाए सारे गोले। ओहो लगेगी आग। जल जाए सारे गोले। तो गाइस इस बार ये अनार पूरा जल गया और यहाँ पर एक भी नाजी अवेलेबल नहीं है, सारे फट चुके। कैसा लगा भाई धमाका, कैसा था भाई साहब? आवाज गूंज गूंज के चारों तरफ से आ रही है ना, कमाल का नजारा। तो भाई अभी हमने नाजी में आग लगाया, काफी सॉलिड धमाका हुआ है, और अब हम लोग लगाने वाले नाजी फॉइल में आग, देखते हैं इसका धमाका कैसा रहता है। फटाफट से भाई इसको भी एक साथ जितने मर्जी फूंक दो। OMG आग तो लग चुकी है फटा। तो भाइयों अभी हमने फोड़ा नाजी फॉइल, 5 के 5 एक नंबर तरीके से फट गए और खूब मजा आया भाई, रोशनी भी काफी हुई। अब बारी है क्लासिक गोल्ड की और देखते हैं इसका धमाका कैसा होता है। इस बार भी ये फॉइल है भाई, और ये यहाँ पर फॉइल में आग लगाने वाले हैं हम लोग, और इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि 5 में आग लगाते हैं। और ये मेरे हाथ में 4 आ चुके हैं और ये एक और आ गया 5, तो 5 के 5 इकट्ठे जलाने वाले हम फॉइल को, वो भी क्लासिक गोल्ड। OMG आग लग चुकी है, वाओ। भाई एक नंबर मजा आ गया क्लासिक गोल्ड की आवाज में। अब हमारे पास किंग टोन है ग्रीन करके, श्री राजेश्वरी ब्रांड की तरफ से, और इसकी शक्ल देख लो भाई क्या लग रहा है। निकालो भाई 5 इसमें से भी और लगाते हैं आग। भाई यहाँ पर देख लो हमने चारों को इस तरीके से रख दिया, क्योंकि किंग टोन की जो ये सुडली होती है ना काफी ज्यादा बड़ी होती है, और इसका फायदा उठा रहे हैं। इस बार हम अनार नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आग लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है। चारों में आग लग चुकी है। अब देखो बारी आ चुकी है यहाँ पर अंटी बंटी की, और अंटी बंटी दिखाओ भाई कैसा है। यहाँ पर डकारे वकारे मार रहे हैं ये लोग पता नहीं किस बात के लिए। ये देख लो भाई अंटी बंटी कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम लोग ना पहले तो इसे जला के देखते हैं कि अंटी बंटी काम क्या कर रहा है। तो एक में आग लगाओ पहले, देखते हैं करता कैसे है ये। भाई यहाँ अंटी बंटी देखो किस तरीके से काम करता है। बढ़िया भाई। तो यहाँ पर देखो अनार बुलेट हमने इस तरीके से लगा दिया अंटी बंटी को, और 4 यहाँ लगा दिए हैं। अब ये चेन रिएक्शन के थ्रू अगेन आग लगाएंगे और देखते हैं क्या धमाका होता है। लगा दे भाई आग। वाओ भाई
वाओ भाई ये देखो फाइनली अब बारी आ चुकी है भाई यहाँ पर मार्शल बॉम्ब की, और मार्शल बॉम्ब किस तरीके का दिखाई देता है, ये है उसका साइज, आप लोग देख पा रहे हो काफी इसकी छोटी सी फ्यूज है यहाँ पर, जिसको मैं सुतली कहता हूँ, काफी छोटी सी है भाई। और इसको भी हम चार पांच इकट्ठे आग लगाने वाले हैं, फटाफट से लगाते हैं, भागो भागो। तो भाई यहाँ पर पूरी धूल उड़ चुकी है, धुआं उड़ चुका है, अनार की हालत देखो क्या हो गई है, और यहाँ पर सिर्फ दो ही फटे हैं मार्शल के, और बाकी एक या दो जो थे बाकी के वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लग रहा है वो उड़ गए कहीं पे, और कहाँ गए कुछ नहीं कह सकते हैं भाई, बहुत दूर जा सकते हैं वो लोग। ये बच गया, ये देखो ये साबुत है, हाँ देखो इसमें यार अभी नहीं लगी आग, ये देखो पूरा का पूरा साबुत है, बच गया, और एक और उड़ चुका है। अब पता नहीं भाई वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना घास में खो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने मार्शल मिला था ना जो एक, उसको लगा दिया है, और इसमें आग लगाते देखते हैं होता क्या है। लगा दे भाई, पीछे हो जियो, भाग जा भाग जा, नहीं लगी, दोबारा लगा, अभी आग नहीं लगी बिल्कुल भी, देखो भाई बुझ गई है यहाँ पर, दोबारा लगा दे और पीछे हो जाता हूँ मैं, भाग 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 भाग। ये देखो भाई यहाँ पर बॉक्स था जिसमें हमने आग लगाई थी, और बॉक्स के बस कुछ चिथड़े बचे हैं, बाकी पूरा बॉक्स शायद गायब हो चुका है भाई, कहीं नहीं है, चीज़ें उड़ गई है, देखो कागज के टुकड़े हर जगह। तो भाई अभी हम लोग निकालने वाले हैं वीआईपी बॉम्ब को, फटाफट से निकालो, मार्शल ने काफी कमाल का धमाका किया है। हाँ आराम से टेप खोल देना है, ठीक है, निकालो भाई कोई एक पैकेट निकाल लो, इसमें दो पैकेट आते हैं, और ये साइज जो है भाई खली का, भाई हटाना इस ढक्कन को फटाक से, ओए साइज चेक कर रहे हो, सेम आंधी तूफान वाला साइज है ये, आंधी तूफान और इसका साइज बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि काफी पावरफुल बम है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ना अब चक्री का इस्तेमाल करने वाले हैं इन दो बड़े बड़े वीआईपीज को आग लगाने के लिए, और भाई हमने ना बहुत धमाके किए आज, बहुत ज्यादा, कोई प्लेन सरफेस ढूंढ भाई, यहाँ थोड़ा प्लेन है, यहाँ चल जाएगा, और ये चक्री के पास ही रखते हैं ताकि ईजिली पकड़ पाए आग। बहुत बढ़िया, चलेगा नहीं, चल गया, पीछे हो जा, बुझ गया क्या, अरे यार ये ओ जल गया, ओ भाई देख रहे हो कितना रिस्की है ये, OMG, ओ एक में तो लगा दिया इसने आग, और ये बहुत तेज फट, ओए, देख रहे हो, और एक और में लगने वाला है, शायद लग जाए, नहीं लग रहा है, उसको पास ले जाके करना पैर से, जरा ध्यान से, केयरफुली, कर दो, पास कर दो बम को, भाई पार ही कर दिया इसने बम को, और चक्री हमारी यहाँ पर बुझ चुकी है यार, उसमें ऐसे ही आग लगा दो लाइटर से सेफली, हाँ। तो देखा आपने यार, एक जब फटता है ना तो उसके धमाके से दूसरा गायब हो जाता है वहां से, पीछे हो जा। तो भाइयों कैसी लगी वीडियो, देखो ये वाला जो है ना आंधी तूफान, आप लोग कहोगे कि इसको नहीं जलाया, भाई इसको इसलिए नहीं जला रहा हूँ बिकॉज जो वीआईपी जलाया है ना वो और ये साइज बिल्कुल सेम है, पैकिंग का फर्क है, उसमें 6 आते हैं इसमें 10 आते हैं, तो बस यही फर्क है इन दोनों में, और कान में ना दर्द हो रहा है क्योंकि लास्ट वाला जो अभी वीआईपी फोड़ा है ना उसका साउंड इतना तेज था कि वो कान में आके ऐसे लगा, साउंड बहुत तेज, बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं पता कि हमारे कैमराज में किस तरीके की ऑडियो कैप्चर हो रही है, लेकिन भाई जो रियल एक्सपीरियंस है ना वो एक नंबर है, अल्टीमेट है, और भाई साहब इतनी तेज आवाज है कि अगर आप इसे मोहल्ले में यूज करोगे, हम लोग ओपन ग्राउंड में सेफ्टी के साथ यूज कर रहे हैं, आप अगर मोहल्ले में यूज करोगे ना भाई, घरों की दीवारें हिल जाएंगी, बर्तन गिर जाएंगे, फोटोज लगा रखे होंगे, फोटो फ्रेम गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो केयरफुल रहना अगर ऐसे पटाखे यूज करते हो तो। बाकी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।